नमस्ते दोस्तों, टेंसर एनालिसिस में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉनिकर डेल्टा। क्रॉनिकर डेल्टा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। क्रॉनिकर डेल्टा, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें क्रॉनिकर डेल्टा को, आप इसका सिंबल देखें तो ये होता है, इट इज रिटन एज डेल जे आई, सुपर स्क्रिप्ट में आई, सब स्क्रिप्ट में जे, मतलब कि इसका जो सिंबल है वो है डेल जे आई, एंड इज डिफाइंड एज एंड इज डिफाइंड एज इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं, जरा इसको देखिए, सारा मीनिंग इसी में है। ये जो डेल जे आई है बच्चों, इसकी दो वैल्यूज होती है, एक होती है वैल्यू 1 और दूसरी होती है वैल्यू 0। तो ये 1 कब देता है, जब आपका सुपर स्क्रिप्ट का इंडेक्स और सब स्क्रिप्ट का इंडेक्स सेम होता है तो ये वैल्यू 1 देता है। मीन्स कि जब आई इक्वल टू जे होगा तो ये वैल्यू 1 देगा, अदरवाइज जब आई और जे दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो ये वैल्यू क्या देगा बच्चों, 0 देगा। मीन्स कि जो क्रॉनिकर डेल्टा है जिसको आप लिखते हो डेल जे आई, ये कुछ ऐसा डिफाइन किया गया है कि इसका जब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जब सेम होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये क्या आएगी बच्चों, 1 इफ आई इज इक्वल टू जे। और देखिए जब आई और जे दोनों अलग अलग होंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। इफ आई इज डिस्टिंक्ट, मतलब कि आई और जे जब अलग अलग है तो वैल्यू 0 आएगी, और आई और जे जब सेम होंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो ये ऐसे हमारा क्रॉनिकर डेल्टा वर्क करता है। मीन्स कि अगर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जब सेम होंगी तो वैल्यू 1 देगा, अदरवाइज वो वैल्यू 0 देगा। अब देखिए, जैसे दस वी हैव डेल 1 1, या आप कहें डेल 2 2, या आप कहें डेल 3 3, एंड चलते चलते या आप कहें डेल n n। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, यहां पे जो सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट है दोनों सेम है, 1 1, यहां पे देखेंगे 2 2, यहां पे देखेंगे 3 3, यहां पे देखेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट भी n है और सब स्क्रिप्ट भी n है। तो जब भी आपकी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की इंडेक्सिंग सेम होगी तो क्रॉनिकर डेल्टा आपको क्या देगा, 1 देगा। एक तरह से मशीन है जिसके दो ही आउटपुट है, एक तो 1 दूसरा 0। 1 देने के लिए जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों को सेम होना पड़ेगा, अदरवाइज 0 तो देगा ही देगा। एंड अगर आप देखें डेल 2 3, या आप ले लें डेल 5 7, या आप ले लें डेल 7 5, या आप ले लें डेल 1 3, या अगर आप इनको देखें तो देखेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट पे 3 है बट सब स्क्रिप्ट पे 2 है, मीन्स की अलग अलग इंडेक्सिंग है। यहां पे भी देखेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट पे 7 है और सब स्क्रिप्ट पे 5 है। तो जब भी आपको डिफरेंट इंडेक्सिंग मिले सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में, तो क्रॉनिकर डेल्टा आपको हमेशा क्या देगा, 0 देगा। मतलब इसके दो ही आउटपुट है, बहुत सिंपल वर्क करता है कि जब आपका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट सेम होगा तो वैल्यू 1, और जब ये अलग अलग होंगे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट तो वैल्यू देगा 0। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉनिकर डेल्टा, इसके हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नंबर 1,
नंबर वन प्रॉपर्टी है हमारी कि जो डेल आई आई है बच्चों, डेल आई आई ये हमारा होता है कैपिटल एम। ये डेल आई आई हमारा बच्चों होता है कैपिटल एम। कैसे? अब जरा प्रीवियस लेक्चर को अगर आप रिकॉल करें, जो हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने देखा था कि इंडेक्स जो होते हैं बच्चों, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है डमी इंडेक्स और एक होता है हमारा रियल इंडेक्स। डमी इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जो रिपीट करता है। आप कैसे पहचानोगे कि जो इंडेक्स आपका रिपीट करेगा वो आपका डमी इंडेक्स होता है, रिपीट करता है। और रियल इंडेक्स ऐसा होता है जो रिपीट ही नहीं करता, एक वैल्यू एक बार आ गया बस, अब रिपीट नहीं करेगा, ये अनरिपीटेड होता है, ये फिक्स हो जाता है। तो हमेशा जो समेशन होता है वो हमारा हमेशा डमी इंडेक्स के ऊपर होता है। मतलब कि समेशन आपका मतलब कि जो आपका डमी इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी, जो स्टार्ट होगी वन से और कहां तक जाएगी एन तक। क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब तक आपसे कहा ना जाए आपका समेशन स्टार्ट होना चाहिए वन से और कहां तक जाना चाहिए, यानी कि स्टार्ट होना चाहिए वन से और जाना चाहिए कैपिटल एन तक। क्योंकि हम लोग जो टेंसर में है, आप 2D या 3D में नहीं हो, आप n डायमेंशन में हो, तो आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए 1 से और कहां तक जाओगे कैपिटल n तक, जिससे हम लोगों की चीजें सिंपल रहे। इतने नोटेशन हम लोगों के माइंड में हमेशा रहने चाहिए। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 3 जरूर देखें, जिससे आपको यहां पे जो मैं प्रूफ करूंगा वो चीजें बहुत रीडली बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अब ये देखिए, यहां पे जो इंडेक्स आई है ये रिपीट कर रहा है, तो आई आपका कैसा है? डमी इंडेक्स है। मींस की हेयर आई इज अ डमी इंडेक्स। आई आपका कैसा है? डमी इंडेक्स है। तो आपका ये अगर डमी इंडेक्स है तो समेशन किसके ऊपर होगा? आई के ऊपर। मतलब कि आप I की वैल्यू लेगा, स्टार्टिंग होगी जो 1 से और कहां तक जाएगी n तक, एंड टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू कैपिटल n, टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू कैपिटल n। मतलब कि आपका I स्टार्ट होगा 1 से। आप इसको ऐसे समझिए कि ये I हमारा जो डमी इंडेक्स होगा वो एक तरह से ट्रेन होगी, और ये आपके जो नंबर्स होंगे 1, 2, 3 के क्या स्टेशन पे, यानी कि एक एक करके सारे स्टेशन पे जाता जाएगा, जो कि स्टार्ट होगा स्टेशन नंबर 1 से और कहां तक जाएगा? अपनी डेस्टिनी यानी कि कैपिटल एल तक। तो अब देखिए, यहां पे आपको बताया हुआ है कि आपका जो आई है ये डमी इंडेक्स है, तो समेशन आपका कैरी होगा ओवर आई। तो मतलब कि आई की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये होगा डेल 1, 1। फिर आई की वैल्यू होगी 2, फिर होगा डेल 2, 2। फिर आई की वैल्यू होगी 3, तो ये होगा डेल 3, 3। और ऐसे चलते 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 ये हमारी ट्रेन है, और आखिरी स्टेशन आपका क्या है? कैपिटल एन। तो आई की लास्ट वैल्यू क्या होगी? कैपिटल एन। तो हमने क्या यूज किया बच्चों यहां पे? बाय समेशन कन्वेंशन, आपने यूज किया समेशन कन्वेंशन। मैं फिर से आपको एडवाइस करूंगा कि ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी जब आप लेक्चर नंबर 3 जरूर देखेंगे। तो मैं इसका लेक्चर नंबर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप उसको जरूर देखिए, जिससे आपको समेशन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको अभी क्रॉनिकल डेल्टा का बताया कि जब इंडेक्सिंग सुपर और सब की सेम होती है तो वैल्यू क्या देता है? 1। तो डेल 1, 1 है यहां पे बच्चों, यानी कि जो डेल आई आई है, डेल 1, 1 की वैल्यू क्या होगी? 1। डेल 2, 2 की वैल्यू क्या होगी? 1। क्योंकि क्या है, क्रॉनिकल डेल्टा या तो 1 देगा या तो 0 हो देगा। और यहां पे देखें कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों ही सेम है, तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये भी क्या देगा हमें? 1। और ऐसे चलते 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 आपको डेल एन एन क्या देगा? ये भी आपको 1 देगा। और ये कितने हैं? ये आपके एन टाइम्स है, एन टाइम्स है। तो आप एड कर दीजिए, 1, 1, 1, 1, 1 कितने हैं? एन है। तो ये जो आपका डेल आई आई की वैल्यू है वो बच्चों कितनी आएगी? आपकी एन आएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से डेल आई आई की वैल्यू बच्चों क्या होगी? कैपिटल एन। ये हमने प्रूव किया। अब मैं क्या करता हूं, बोर्ड रख करता हूं, फिर इसके आगे का आपको बताता हूं।
बच्चों अभी हम लोगों ने क्रोनेकर डेल्टा की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी जो थी कि डेल आई आई यह आपका किसके इक्वल होता है कैपिटल एन के। अब आप सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि हम लोग एन डायमेंशनल स्पेस में हैं तो आपके पास कितने हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट एन वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो आप लें कि इफ एक्स वन पावर में नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट में एक तरह से वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का हमारा मेथड है, एक्स वन एक्स सुपर स्क्रिप्ट में टू एक्स सुपर स्क्रिप्ट में थ्री एंड सो ऑन एक्स सुपर स्क्रिप्ट में कैपिटल एन बी कैपिटल एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन। आपके पास अगर आप n डायमेंशनल स्पेस में हो तो आपके पास n वेरिएबल्स होंगे, तो क्रोनेकर डेल्टा जो आपका डेल जे आई है बेसिकली आप देखेंगे तो ये होगा डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बहुत इजी है प्रूफ इसका भी। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है कि क्रोनेकर डेल्टा इज इक्वल टू डेल जे आई इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। अब जरा इसको देखिए बच्चों, आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई आपके पास वेरिएबल वाई है उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको जो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में तो आप वाई को क्या लोगे एज अ कॉन्स्टेंट। तो जब आप कॉन्स्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको वैल्यू क्या आती है जीरो। और जब आप देखें वेरिएबल एक्स को ही पार्शियली डेरिवेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको क्या मिलेगा ये आपको वन मिलेगा। तो वही चीज यहां पे भी अगर आप देखें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री पावर्स नहीं है एक्स की पावर वन या एक्स की पावर टू, ये भी हमारे एक तरह से वेरिएबल्स हैं जैसे हमारे एक्स और वाई, क्योंकि ये भी हमारे कैसे एक तरह से हम लोग टेंसर में जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेरिएबल्स का वो हम लोगों ने कैसे चूज किया है कि एक्स सुपर स्क्रिप्ट में वन या सब स्क्रिप्ट में वन एक्स सुपर स्क्रिप्ट में टू या सब स्क्रिप्ट में टू। बहुत ही आराम से अगर आप देखें तो अगर आपके पास एक वेरिएबल है एक्स थ्री ठीक है, आप इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स फोर तो ये बच्चों क्या होगा। अब यहीं से देखिए कि आपके लिए जो जब आप एक्स फोर जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप एक्स थ्री वेरिएबल को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे और जब आप कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या लोगे जीरो। अगर आप डेल एक्स थ्री को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री तो आप क्या आएगा ये वन आएगा आपका, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल सेम है और नीचे भी वेरिएबल सेम है। तो आप देखिए यहां पे क्या था, यहां पे दूसरा वेरिएबल था यहां पे दूसरा वेरिएबल था तो जीरो आया पार्शियल डेरिवेटिव में। अब यहां पे देखें कि न्यूमरेटर में भी वही वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी वही वेरिएबल है तो जब आप पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिला वन मिला। तो यहां पे क्या था कि एक्स थ्री एक अलग वेरिएबल है एक्स फोर एक अलग वेरिएबल है तो जब आप एक्स फोर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने गए तो एक्स फोर वेरिएबल ने एक्स थ्री को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया तो जब कॉन्स्टेंट ट्रीट किया तो क्या आएगा जीरो आएगा। बट आप यहां पे देखें यहां पे क्या है आप एक्स थ्री वेरिएबल है और डिफ्रेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स थ्री वेरिएबल के तो आपको क्या मिला वन। तो अगर यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों कि एट रैंडम आपने कोई वेरिएबल ले लिया एक्स आई कोई भी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमने कोई भी एक पिक किया और आपने पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल एक्स जे, तो अगर ऊपर और नीचे दोनों वेरिएबल सेम होंगे एक्स आई होंगे तो आपको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा वन। मीन्स की जब आई आपका इक्वल होगा जे के तो जब आई जे के इक्वल हो जाएगा तो ऊपर भी एक्स आई वेरिएबल और नीचे भी एक्स आई वेरिएबल। तो आपको भी देखा आपने कि जब ऊपर और नीचे दोनों सेम वेरिएबल होगा तो जब आप पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा वन। बट अगर आपका ऊपर एक अलग वेरिएबल है और जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो एक अलग वेरिएबल है
तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो कब केस अराइज होगा, जब i इज नॉट इक्वल टू j। तो आपको इससे क्लियर हो रहा होगा कि आपको मैं क्या आपको एक समझाना चाह रहा था, आपको जो फील दिलाना चाहता था वो ये कि जब आप किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। ये कब होगा, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब एक्स आई एक अलग वेरिएबल, एक्स जे अलग वेरिएबल। बट अगर आप जिस रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो पार्शियली और आपका वेरिएबल जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो भी सेम है, तो आपको क्या मिलेगा, वन। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो या यहां पे देख सकते हो। तो इससे क्या इंप्लाई हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट कि आपका जो डेल एक्स आई डेल एक्स जे है ये हमारा इक्वल होता है क्रॉनिकल डेल्टा डेल जे आई के। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब अगर आप देखें थर्ड वन, बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक चीज जिससे हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए, वो ये अगर आपके पास है ए सुपर स्क्रिप्ट में जे डेल सब स्क्रिप्ट में जे सुपर स्क्रिप्ट में आई, तो इसकी वैल्यू बच्चों होती है ए आई। कैसे, आप जरा इसको देखिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो इंडेक्स रिपीट करता है वो आपका डमी इंडेक्स होता है, तो यहां पे डमी इंडेक्स कौन सा है, जे। आई हमारा रिपीट नहीं कर रहा तो ये कैसा है, हमारा रियल इंडेक्स। तो आप लिखोगे कि हेयर जे इज अ डमी डमी इंडेक्स, और अगर आपका जे डमी इंडेक्स है तो समेशन किसके ऊपर होगा, ओवर इंडेक्स जे। तो जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, वन से, फिर टू होगी, फिर थ्री होगी, ऐसे करते करते एन होगी। तो आप कह सकते हो एन टेक्स वैल्यूज फ्रॉम वन टू कैपिटल एन, मतलब कि एक ट्रेन मिल गई, अब ये ट्रेन चलेगी वन से कहां तक जाएगी, कैपिटल एन तक। तो हमें बस इतना पता है कि जे हमारा डमी इंडेक्स है और इसकी वैल्यू स्टार्ट होनी है वन से और कहां तक जानी, कैपिटल एन तक। हमने कहा अच्छा जी, तो अब देखिए ए सुपर स्क्रिप्ट में जे देन सब स्क्रिप्ट में जे और सुपर स्क्रिप्ट में आई। तो पहले जे की वैल्यू होगी वन, तो जब जे की वैल्यू वन होगी तो ये होगा ए वन डेल आई वन, फिर जे की वैल्यू होगी टू तो ये होगा ए टू डेल आई टू, फिर जे की वैल्यू होगी थ्री ए थ्री डेल आई थ्री, और ऐसे चलते चलते रास्ते में। अब ये देखिए जो आई है, मतलब कि आपको ये स्टार्टिंग में बता देते हैं कि आपका जो डमी इंडेक्स हो या रियल इंडेक्स हो ये सारी वैल्यूज किसके बीच में लाई करती है, वन या वन से बड़ी और एन या एन से छोटी, मतलब कि होगी वन से एन के बीच में ही कोई ना कोई नंबर। तो जब आपकी ये जो जे ट्रेन चल रही है धीरे 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 तो वो स्टेशन आई पे भी आएगी, जैसे वो टू हुआ वन हुआ टू हुआ थ्री हुआ, ऐसे उसको रास्ते में मिलेगा आई। तो जब आई मिलेगा तो ये होगा ए आई डेल आई आई, क्योंकि भाई स्टेशन है, सब लाइन है, स्टेशन है, एक के बाद दूसरा स्टेशन आ रही है। अब ये ट्रेन चल रही है चल रही है चल रही है, अब ये आखिरी स्टेशन आ गया ए एन डेल आई एन। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों कि क्रॉनिकल डेल्टा की तो डिसाइडेड है, अगर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में वैल्यू इंडेक्सिंग सेम होगी, जब वो दोनों सेम होंगे तो क्रॉनिकल डेल्टा वन देगा, अदरवाइज वो आपको जीरो देगा। तो यहां पे देखिए कि सब स्क्रिप्ट में वन है और सुपर स्क्रिप्ट में कोई दूसरा इंडेक्स है, कोई दूसरा नंबर है आई, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखेंगे यहां पे भी सुपर और सब में दोनों अलग अलग इंडेक्स है तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहां पे भी देखेंगे दोनों अलग अलग है तो ये भी जीरो हो जाएगा, और अगर आप यहां पे देखें सुपर स्क्रिप्ट में भी आई है और सब स्क्रिप्ट में भी आई है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो ए आई ये हो जाएगा आपका वन, और यहां पे अगर आप देखें यहां पे सुपर स्क्रिप्ट में तो आई है मगर सब स्क्रिप्ट में एन है तो ये वैल्यू हो गई जीरो। तो अगर आप देखें इसको तो ये आ क्या आया आपका ए आई। तो हमने प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि आपका जो ए
जे डेल जे आई है ये आपका क्या है ए आई। तो एक तरह से अगर आप देखें कि जो क्रॉनिकर डेल्टा होता है एक तरह से ऑपरेटर है, और आपने देखा कि इसने बड़ी सफाई से ए का इंडेक्स जो जे था उसको बदल के उसने आई कर दिया, मतलब कि बड़े स्मार्टी तरीके से ए के इंडेक्सिंग में जो सुपरस्क्रिप्ट में जे था उसको उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे इंडेक्सिंग से, दूसरे लेटर से आई से। तो आप इससे यह भी कह सकते हो कि क्रॉनिकर डेल्टा एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर इट सब्स्टिट्यूट्स इंडेक्स फॉर, मतलब कि क्रॉनिकर डेल्टा एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर, इट सब्स्टिट्यूट्स वन इंडेक्स फॉर एनदर। तो आपने थ्री प्रॉपर्टीज देखी, बहुत ही स्मार्टली तरीके से अगर आप देखें तो ये जो आपका क्रॉनिकर डेल्टा था इसने बहुत ही स्मार्टली तरीके से ए की इंडेक्सिंग जे से बदल के किससे कर दी, आई से। अब आपके सी से रिलेटेड सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर से एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोगों को करना है, तो मैं ऊपर का रब कर देता हूं बच्चों। अब आती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर आपके पास है डेल जे के तो बच्चों ये होता है हमारा डेल आई के। अब ये कैसे हो रहा है इसको भी अब ध्यान से देखिए अगर आप इसको तो जो जे है ये हमारा रिपीट कर रहा है, तो जे आपका क्या हुआ डमी इंडेक्स हुआ। हियर जे इज अ डमी इंडेक्स एंड टेक्स वैल्यूज मतलब कि अगर जे आपका डमी इंडेक्स है तो समेशन किसके ऊपर होगा ओवर जे, तो जे की वैल्यू स्टार्ट होगी फ्रॉम वन और आखिरी में पहुंचेगी कैपिटल एल तक। हमने कहा अच्छा जी तो इसको देखें अगर आप, तो देखिए आपको दिया गया हुआ है डेल जे के तो जे की वैल्यू होगी सबसे पहले वन। अब ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है, जे हमारी क्या है ट्रेन है, पहला स्टेशन मिलेगा वन तो ये वन के, दूसरा स्टेशन मिलेगा उसको टू तो ये डेल टू के, ऐसे चलते 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 रास्ते में उसको मिलेगा डेल आई के, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आई जे के सारे जो जितने भी नंबर्स होंगे या जितने भी इंडेक्सिंग होगी ये वन से एन के बीच में ही रहने वाले हैं, तो रास्ते में उसको कौन सा स्टेशन मिलेगा के स्टेशन में मिलेगा। जब जे ट्रेन चलेगी तो उसको रास्ते में के वाला भी स्टेशन मिलेगा, तो जे की वैल्यू क्या होगी के, तो डेल आई के डेल के और ऐसे फिर के स्टेशन से चलते चलते आखिरी स्टेशन उसका क्या है कैपिटल एन, तो डेल आई एन डेल एन के। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें इस ऑपरेटर को तो यहां पे क्या है सुपर स्क्रिप्ट में वन और सब स्क्रिप्ट में के दोनों अलग अलग है, तो ये वैल्यू क्या हो गई जीरो। यहां पे देखेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में दोनों में अलग अलग इंडेक्सिंग है तो ये भी हो गया जीरो। ऐसे चलते चलते अगर आप यहां पे आए, अब आपको ये मत माइंड में लाइएगा कि सर यहां पे देखिए डेल आई के है तो ये भी जीरो होना चाहिए,
बट अभी हम लोग किस तरफ के ऑपरेटर पे बात कर रहे हैं, हम लोग इस साइड से, इस पे फोकस है हम लोगों का। अभी इस वाले ऊपर क्रॉनिकल डेल्टा पे नहीं फोकस कर रहे, हम लोग इस क्रॉनिकल डेल्टा के ऊपर फोकस करें तो राइट साइड में इस पे, तो आपका फोकस इस पे होना चाहिए, इस पे नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि यहां पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में दोनों में सेम इंडेक्सिंग है, तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, वन, ये हो जाएगा वन, और ऐसे चलते चलते अगर आप देखें तो यहां पे अगर आप देखें हम इस क्रॉनिकल डेल्टा की बात कर रहे हैं, हम इसके रिस्पेक्ट में अभी देख रहे हैं, तो यहां पे अलग अलग इंडेक्सिंग थी तो जीरो, यहां पे अलग अलग इंडेक्सिंग थी जीरो, यहां पे सुपर और सब दोनों में सेम इंडेक्सिंग थी इसलिए वन, यहां पे सुपर में एम है और सब में क्या है के, अलग अलग है तो ये भी क्या हो गया जीरो। तो अगर आप देखेंगे ऐड करके तो ये आपका क्या आएगा, डेल आई के। तो देखिए यही तो हमें लाना था, मेरे कहने का क्या मतलब है कि डेल आई जे डेल जे के इज इक्वल टू डेल आई के, यही हमें देखना था। ये देखिए बच्चों, तो अगर आप यहां पे भी देखें तो हमने कुछ अलग नहीं किया है, बेसिकली यही चीज हुई है यहां पे भी, कि आपको अभी मैंने बताया कि ये जो क्रॉनिकल डेल्टा होता है ये आपका सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर है, और यहां पे देखिए इसे बहुत ही स्मार्टली वे में यहां की जो इंडेक्सिंग थी जे की उसको रिप्लेस कर दिया के से, मतलब कि यहां पे जो जे था उसको आपने बस रिप्लेस कर दिया के से, बहुत ही सब्स्टिट्यूट कर दिया एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स से, तो यहां पे भी वही हुआ। अब जैसे कि अगर हम यहां पे ये ले लें फिफ्थ डेल आई, मतलब कि डेल आई जे डेल जे आई, तो अगर आप इसको यहां पे देखें ये, तो बच्चों इसको पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस आप ये देखिए कि आप इस साइड से देखिए तो ये आपका क्या है, एक तरह से सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, बहुत ही स्मार्टली वे में यहां पे जो इंडेक्स जे है ये आपका डमी इंडेक्स है, यहां पे आई भी डमी इंडेक्स है, जे भी डमी इंडेक्स है, क्योंकि दोनों रिपीट कर रहे हैं, तो ये वाला जो क्रॉनिकल डेल्टा होगा ये जो सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर है बड़े स्मार्टली वे में यहां का जो इंडेक्सिंग जे है इसको रिप्लेस कर देगा आई से। जैसे यहां पे अगर आप देखें यहां पे जो जे था जो कॉमन है उसको हटा के उसने क्या ला दिया के, मतलब कि आप कैसे इसको देखेंगे, आप माइंड कैसे लगाएंगे, यहां पे देखिए जो कॉमन है उसको हटा के आई आया, यहां पे क्या था, यहां पे ये जो कॉमन थे इनको हटा के उसने के कर दिया, तो यहां पे भी अगर आप हम लोग देखें जे जे कॉमन है इसको हटा के आप यहां पे इस जे पे क्या ला दो, आई ला दो, डेल आई आई। हमने क्या किया कि यहां पे जो इंडेक्सिंग जे थी इसको बहुत ही स्मार्टली तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे इंडेक्स आई से, अपनी मर्जी से कोई और ना लाइएगा इस वाले इंडेक्स से, बस हमने क्या किया जैसे यहां पे के था इसको यहां पे ले आया, कैसे यारा जे जे कैंसिल आउट हो गया यहां पे किया गया। तो हम यहां पर मेंशन भी कर सकते हैं कि यूजिंग प्रॉपर्टी फोर, आप कह सकते हो प्रॉपर्टी फोर का यूज किया हमने, और अभी हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी क्रॉनिकल डेल्टा की, जब डेल आई आई की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एन, तो यूजिंग प्रॉपर्टी वन। अब देखिए हमें प्रूव नहीं करना पड़ा इसको, हमने जो प्रीवियस दो प्रॉपर्टीज है उन्हीं का कॉम्बिनेशन यहां पर यूज किया, क्या यूज किया कि क्रॉनिकल डेल्टा एक सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर है तो उसका यूज किया, यहां पे जो इंडेक्स जे था उसको रिप्लेस कर दिया आई से यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर फोर, और फिर प्रॉपर्टी नंबर वन का यूज किया जो कहती है कि डेल आई आई हो तो उसको क्या कहते, कैपिटल। तो देखिए इसी बारे में लोगों की प्रैक्टिस भी होगी। एक और लेते हैं बच्चों, इसको भी एक और लेते हैं जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। सिक्स डेल आई जे डेल जे के डेल के एल, अब बताइए यहां पे क्या आने वाला है। तो अगर आप देखें यहां पे आएगा बच्चों डेल आई एल, कैसे आ रहा है जरा ये देखिए, और स्मार्ट वर्क करेंगे इसे यहां पे, तो सबसे पहले इस ऑपरेटर को पकड़ा, ये हमारा ऑपरेटर है, ये सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर है,
यहां पे इसने क्या कहा कि यहां पे के कॉमन है ना, अब हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात करें, सब भूल जाइए डमी एमी। अब देखिए के ऊपर के नीचे कैंसल आउट कर दीजिए, हम इसको भी छोड़ दीजिए, यहां पे इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल आई जे, के कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेल जे एल। आई होप आप वो पॉइंट समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे हमने यूज किया है सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर, तो के को हमने बड़े स्मार्टली तरीके से किससे रिप्लेस कर दिया, एल से, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं अभी तक कि जो क्रॉनिकर डेल्टा है उसका मीनिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे कि अब ये हमारा सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो यहां पे क्या जे जे कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि कॉमन हमें क्या था, जो कॉमन हो उसको कैंसिल आउट कर दिया, तो ये क्या आएगा डेल आई एल। तो देखिए सिंगल, बस जो मैं बताना चाहता हूं कि आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके क्रॉनिकल डेल्टा पे, तो आप अगर ये फोर बेसिक प्रॉपर्टी समझ लेंगे कि क्रॉनिकल डेल्टा एक सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर है, तो उसके बाद आप समझेंगे कि ये चीज हम लोगों ने कितने स्मार्टली वे में कर ली, के कैंसिल आउट हुआ तो जे एल, फिर जे जे कैंसिल आउट हुआ तो आई एल। तो आई होप आपको जो प्रॉपर्टीज है क्रॉनिकल डेल्टा की वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एक और दो आपको एग्जाम्पल करा देता हूं जिससे हम लोग क्रॉनिकल डेल्टा का लेक्चर क्लोज करें। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्रॉनिकल डेल्टा क्या होता है ये जाना, उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छा समझा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें जितना भी हम लोगों ने क्रॉनिकल डेल्टा के बारे में जाना है, जितना उसकी प्रॉपर्टी को समझा है, उन सबका यूज करेंगे और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिससे हम लोगों की बहुत ही अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, हमें क्या करना है कि ए आई जी हमारा कॉन्स्टेंट है और ए आई जी इज इक्वल टू ए जे आई दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है कि डेल अपॉन डेल एक्स के पैरेंथेसिस में ए आई जे एक्स आई एक्स जे की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने कहा अच्छा जी ठीक है सॉल्व करते हैं, तो ये डेल डेल अपॉन डेल एक्स के आपको क्या दिया हुआ ए आई जे एक्स आई एक्स जे, तो ए आई जे कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ए आई जे बाहर आ गया हमारा, अंदर है डेल अपॉन डेल एक्स के पैरेंथेसिस में है, एक वेरिएबल है एक्स आई और एक वेरिएबल है एक्स जे। आप क्या करिए आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो ए आई जे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक्स आई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स के, फिर अब की एक्स जे को कॉन्स्टेंट लेते हैं तो एक्स जे डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स के, ये देखिए। अब क्या करते हैं बच्चों, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्रॉनिकल डेल्टा का, उसका यूज देखे कि आपने देखा था कि डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स के को आप लिख सकते हो डेल जे के, सिमिलरली डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स के को आप लिख सकते हो डेल आई के। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो इसी चीज का यूज करते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा ए आई जे एक्स आई एक्स आई क्रॉनिकल डेल्टा जेके प्लस एक्स जे क्रॉनिकल डेल्टा आई के। अब एक काम करते हैं, जो ए आई जे है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक्स आई पैरेंथेसिस में अंदर ले लीजिए ए आई जे डेल जे के पैरेंथेसिस क्लोज, फिर एक्स जे, अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, पैरेंथेसिस में लीजिए ए आई जे डेल जे के। अब क्या करें बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें इन दो टर्म्स में तो जे आपका जो है ये डमी इंडेक्स है क्योंकि रिपीट कर रहा है, तो समेशन किसके ऊपर चलेगा ओवर इंडेक्स जे,
xi को हम लोग एज इट इज रखते हैं, यहां पे अगर आप देखें समीशन लगाए समीशन कन्वेंशन, तो j की वैल्यू पहले होगी 1, तो ai 1 del 1k plus ai 2 del 2k, ऐसे चलते चलते रास्ते में जो हमारी j ट्रेन है इसको आप स्टेशन मिलेगा k, तो एक वैल्यू आएगी ai k del k k, फिर ऐसे चलते चलते लास्ट स्टेशन है ai n del n k क्लोज। फिर आप यहां पे देखें एक्स जे, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे अगर हम देखें यहां पे एक्स आई था डेल जे आई ठीक था डेल आई के, यहां पे मैंने जे कर दिया, यहां पे आई है आपका। तो अगर आप देखें यहां पे कि यहां पे पैरेंथेसिस के अंदर दो टर्म है, इसमें जो आपका इंडेक्सिंग आई है ये रिपीट कर रही है, तो आई आपका क्या होगा डमी इंडेक्स, तो समेशन किसके ऊपर होगा ओवर आई, तो i की वैल्यू सबसे पहले होगी 1 a 1 j del 1 k plus a 2 j del 2 k, फिर रास्ते में जब ये ट्रेन चल रही है ट्रेन i जब चल रही है तो उसको रास्ते में स्टेशन मिलेगा k भी, तो ai k a k j del k k, चलते चलते लास्ट में स्टेशन i कहां पर रुकेगी A M I डेल N K। तो अब यहां पे क्रोनेकर डेल्टा की अगर आप डेफिनेशन लगाएंगे तो देखेंगे यहां पे सुपर और सब में अलग अलग इंडेक्सिंग है, तो ये जीरो यहां पे भी अलग है ये जीरो, बट यहां पे देखेंगे कि सुपर और सब में सेम ही इंडेक्सिंग है तो ये हो जाएगा 1, तो ए आई के 1 और ये क्या हो जाएगा ए आई एन, ये भी हो जाएगा 0, मतलब पूरा ही आएगा होल 0 लिख देते हैं 0। यहां पे है एक्स जे, यहां पे इंडेक्सिंग अलग अलग है तो ये 0, यहां पे 2 आई के है तो ये भी 0, बट यहां पे अगर आप ध्यान देखें ऊपर भी के है नीचे भी के है तो ये हो जाएगा ए के जे इंटू 1, क्योंकि क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन के हिसाब से सुपर और सब जब सेम होंगी तब होगा 1, अदरवाइज क्या होगा 0, और लास्ट वाला भी एन है ऊपर और नीचे है के तो ये भी 0। तो आपका ये क्या आ रहा है हमारा एक्स आई ए आई के, वो है हमारा एक्स जे ए के जे। आप देखिए बच्चों यहां पे आपका आई डमी इंडेक्स है तो हम आई को रिप्लेस कर देते हैं, या यहां पे अगर आप देखें जे भी हमारा क्या है डमी इंडेक्स है, जब ये डमी इंडेक्स है तो मेरी मर्जी कि मैं जे को आई से रिप्लेस कर, डमी इंडेक्स है कर सकते हैं कोई नहीं रोकेगा, सिंस J is dummy, J हमारा क्या है डमी है, और आपको ये भी पता है कि ये दिया हुआ है ये फैक्ट कि AIK should be equal to AKI, क्योंकि आपको गिवन है तो उसका भी यूज करिए, तो उसका अगर आप यूज करेंगे तो ये हो जाएगा XI, तो AIK plus XI AIK, तो ये क्या आया हमारा बच्चों 2xi AIK। तो हमने वैल्यू निकाल ली इसकी, और बहुत ही कुछ भी नहीं करना बेसिक बेसिक स्टेप निकले, तो इसकी वैल्यू क्या आई 2xi AIK AIK। अब आपकी मर्जी है कि आपको i भी यहां पे डमी है, आप i को j से रिप्लेस कर दीजिए कुछ नहीं। तो ये हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, जाते जाते एक और हम लोग प्रॉब्लम करते हैं जिससे हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम लोगों ने क्रोनेकर डेल्टा को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो ये है कि ए आई जे डेल जे के ये क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसका आंसर हम बाद में लिखेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखें कि जे आपका डमी इंडेक्स है तो आपका समेशन कहां पे होगा ओवर इंडेक्स जे, तो ए आई जे
डेल जे के, तो ट्रेन होगी जे जो कि हर एक स्टेशन पे जाएगी जो स्टार्ट होगा वन से, तो ए आई वन डेल वन के, ए आई टू डेल टू के, ए आई थ्री डेल थ्री के, चलते 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 रास्ते में स्टेशन के भी आएगा, तो ए आई के डेल के, फिर चलते 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 रास्ते में आपका लास्ट स्टेशन है कैपिटल एन, तो ए आई एन डेल एन के। अगर आप ध्यान से देखें ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका वन होगा क्योंकि सुपर और सब दोनों इंडेक्सिंग सेम है, तो ए आई के और ये चलते चलते ये भी आपका जीरो हो जाएगा, तो क्या आया आपका ए आई के। तो ये एग्जांपल कुछ भी नहीं है, बस आपको ये बताना है कि जो आपका क्रॉनिकल डेल्टा है ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटर। तो इसने बहुत ही स्मार्टली वे में जैसा बताया कि जो कॉमन होगा उसको कैंसिल आउट कर देगा, तो जे जे कॉमन था इसको कैंसिल आउट कर दिया बहुत ही स्मार्टली वे में, उसने इंडेक्स जे को रिप्लेस कर दिया इंडेक्स के से। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, क्रॉनिकल डेल्टा आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो या कोई पार्ट ना क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।